आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर टू इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल्स। जैसा कि आप सब जानते नहीं तो जान जाओगे, टेंथ और नाइन्थ दोनों का चैप्टर सेम है पॉलिनोमियल, और अगर टॉपिक सेम है तो जाहिर सी बात है इंट्रोडक्शन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। देखो मैं शुरू करता हूं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट जो फिक्स रहती है, वो क्या रहती हैं, फिक्स। जैसे कि नंबर फिक्स रहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है जी, ABC ये होते हैं कॉन्स्टेंट। अब वेरिएबल जो वेरी करते हैं हर क्वेश्चन में, जिनकी मतलब वैल्यू अलग होती है, जैसे कि X, Y, Z, U, V, W, T। ठीक है, इनको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल जो कहते हैं ये ना हर क्वेश्चन में वेरी करते हैं, कहीं X की वैल्यू 5 होती है, कहीं Y की वैल्यू 7 होती है। कॉन्स्टेंट बोल रहे जो फिक्स रहती है। अब जैसे मेरे पॉकेट में अगर 50 रुपीज है तो वो 50 रुपीज ही रहेंगे, मैं चाहे कहीं भी चला जाऊं। ठीक है जी, तो अब सोचने वाली बात ये होगी कि X, Y, Z, U, V, W, T वेरिएबल और ABC कॉन्स्टेंट है तो सारी अल्फाबेट। हाँ बिल्कुल, पूछने वाली बात है, लेकिन हम लोगों ने ना एक स्टैंडर्ड वेरिएबल को स्टैंडर्ड फॉर्म में ये मान लिया भी यही वेरिएबल होती है। जो ABC है ना उनको फिक्स मान लिया, जो मतलब लैक कर दिया, जंक्शन है समझो, ये भी ABC तो रहेंगे फिक्स है, और X, Y, Z, U, V, W, T। और समय आने पे आप लोग अगर चाहते हो कि हम ABC को वेरिएबल बोलेंगे तो आप ABC को वेरिएबल बोल सकते हो, आप जब लैक करते हो वहां पे बोल सकते हो लेट ए इज अ वेरिएबल। ओके, लेकिन बात अगर स्टैंडर्ड की जाए, स्टैंडर्ड में ABC क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक है जी, तो हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। क्या होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है ना कॉन्स्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बनता है। ठीक है, अच्छा पॉलिनोमियल का मतलब जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती है, पॉली में बहुत सारा, नोमियल्स मतलब बहुत सारी टर्म्स। ठीक है जी, तो कॉन्स्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बनता है, और वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए वो बहुत लंबा होनी चाहिए। पावर जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बहुत लंबा होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आगे तो कॉन्स्टेंट होती है, कॉन्स्टेंट आगे होता है कॉन्स्टेंट। ठीक है, और वेरिएबल की क्या होती है, पावर। मतलब ये मैं एक टर्म आपको बता रहा हूं, प्लस माइनस बहुत सारी टर्म्स होती है। ठीक है जी, और जो पावर होनी चाहिए ना हर टर्म में, वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए ना वो फोर नंबर होनी चाहिए, वो क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होती है। फोर नंबर बोले तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये आपका X³ + 3X² + 5X + 6 ये आपका पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे पावर 0। सारी जो पावर है वो होल नंबर है, अगर पावर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, अगर पावर होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल है नहीं है। जैसे कि अपना ये आ गया 1/X³ + 5X² + 6। देखो ये होल है और यहाँ पे कॉन्स्टेंट में एक्स की पावर 6 होती है, एक्स की पावर 0 होती है, कॉन्स्टेंट में एक्स की पावर क्या होती है, 0। यहाँ भी पावर होल नंबर है, लेकिन यहाँ 1/X³ को क्या लिखा, छोटी क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, 1/X³ को क्या लिखोगे, X^-3 और ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है। ठीक है जी, तो 1/X³ को क्या लिखोगे, X^-3 + 5X² + 6। ठीक है, अब हमने क्या देखा, जो -3 है वो होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। और एग्जांपल से लेते हैं हम लोग X+1/X, X7। ठीक है, 1/X बोले तो X^-1, 1/X को क्या लिखेंगे, पावर ऊपर लेके नेगेटिव हो जाती है, ये भी पॉलिनोमियल, नोटा पॉलिनोमियल। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, √X + 5X² + 6। वैसे √X का क्या मीनिंग होता है, √X का आपको मीनिंग मैं बता देता हूं, √X का मीनिंग होता है X^-1/2। X^-1 क्या हो गया, 1/2। अब एक पावर क्या आ गई, होल नंबर नहीं है, पावर होल नंबर नहीं है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है जी, अब हमने क्या लिखा, √5X² + 5X + 6। कुछ लोग सोचेंगे यहां रूट आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। मतलब आपने सोचा पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि रूट आया, लेकिन वेरिएबल की पावर देखनी हम लोगों को, कॉन्स्टेंट कैसा है, रैशनल है, इरेशनल है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्स्टेंट रियल नंबर होना चाहिए और पावर होल नंबर होनी चाहिए।
ठीक है, पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। सब लोग अभी मैं टेंथ क्लास की पॉलीनोमियल की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। तो अब हमारे सामने आया x की पावर 2 बाई 3 प्लस 3x प्लस 5, क्या पॉलीनोमियल है? नो, ये पॉलीनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर क्या आ गया, 2 बाई 3 आ गया, जो कि होल नंबर है नहीं है। तो कहने का मतलब पॉलीनोमियल वो होता है जहां कॉन्स्टेंट हो वेरिएबल और वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो। बोला तो वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर। होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है जी। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लिए चलता हूं। सो पॉलीनोमियल जब बात टर्म्स की करते हैं, टर्म्स की बात होती है, नंबर ऑफ टर्म्स की बात होती है, तो तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो पहली टर्म होती है मोनोमियल, दूसरी होती है बाइनोमियल, तीसरी कैटेगरी होती है ट्राइनोमियल, ठीक है। तो मोनोमियल जिसमें एक टर्म होती है, वन टर्म, जिसमें टू टर्म्स होती हैं, यहां थ्री टर्म्स होती हैं, ठीक है। अब वन टर्म बोले तो एक्स टेन एक्स ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, एक्स वाई जेड ये भी एक टर्म है, प्रोडक्ट में और जो जितनी भी चीजें होती है ना सारी एक टर्म ही होती हैं, ठीक है। हाँ, टेन एक्स वाई जेड सारी की सारी क्या है, ये मोनोमियल है। बाइनोमियल जब दो टर्म को प्लस या माइनस करके लिख दिया जाए, ठीक है जी, बहुत सारी चीजें होती है इसमें। ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म होती है प्लस या माइनस करके, कुछ भी हो सकता है। तो मोनोमियल बोले तो एक टर्म हो, बाइनोमियल बोले तो दो टर्म हो, ठीक है जी, ट्राइनोमियल बोले तो तीन टर्म हो। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकती हैं, फला एक्स प्लस दिखड़ा वाई प्लस मुकड़ा जेड, यहाँ पे प्लस माइनस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तीन टर्म होनी चाहिए। आई थिंक आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा, पॉलीनोमियल टर्म्स के हिसाब से तीन टाइप का होता है, ठीक है जी। अब मैं आगे बढ़ते हुए एक चीज डिस्कस करता हूं, डिग्री ऑफ अ पॉलीनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलीनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलीनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलीनोमियल, मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलीनोमियल, मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलीनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है। जो मैक्सिमम पावर होती है ना वेरिएबल की, पॉलीनोमियल नहीं सॉरी वेरिएबल, मैक्सिमम पावर होती है ना वेरिएबल की, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, यहां पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो डिग्री कितनी हुई, 3। फॉर एन एग्जांपल x की 8 प्लस 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8, यहां पे डिग्री कितनी हुई, 8 हुई। तो जो ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल की पावर होती है ना, जो ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल की पावर होती है वो डिग्री कहलाता है। जैसे कि 5 माइनस 2x माइनस x क्यूब, अब मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। आई थिंक आप लोगों को सबको समझ आ रहा होगा डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल क्या होता है, ठीक है जी। अब हम लोग डिग्री के हिसाब से पॉलीनोमियल को बताएंगे कितने टाइप का होता है, ठीक है जी। अभी तो मैंने बताया था पॉलीनोमियल टर्म के हिसाब से तीन टाइप का होता है, अभी पॉलीनोमियल डिग्री के हिसाब से, पॉलीनोमियल डिग्री के हिसाब से वो भी तीन टाइप का होता है। हमारे सिलेबस की बात करें ना, 9th 10th के सिलेबस तक तीन टाइप का होता है, ठीक है। क्या होता है, लीनियर पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्यूबिक पॉलीनोमियल, ठीक है।
लीनियर पॉलिनोमियल अगर है तो डिग्री जिसकी वन हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले तो डिग्री जिसकी क्या हो टू हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या हो थ्री हो, ठीक है जी। नंबर ऑफ टर्म्स अलग चीज होती है, डिग्री क्या होती है मैक्सिमम पावर होती है, टर्म्स तो क्या हम काउंट करते हैं, ठीक है जी। अब हम लोग डिग्री की बात कर लेते हैं, डिग्री वन डिग्री टू डिग्री थ्री, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा एक्स प्लस फाइव, यहां पे पावर कितनी है मैक्सिमम वन, तो डिग्री वन है तो लीनियर पॉलिनोमियल, सिक्स एक्स प्लस एट ये भी क्या है लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि दोनों में डिग्री कितनी है वन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट, चाहे कोफिशियंट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोफिशियंट चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होनी चाहिए टू होनी चाहिए। क्यूबिक मतलब एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, या फिर एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट, ठीक है। अब ये तो थे कुछ एग्जांपल, अब ये ना इनको इनके हम जर्नल लिखने जा रहे हैं, जर्नल लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जर्नल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जर्नल क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। जर्नल लीनियर पॉलिनोमियल होता है ए एक्स प्लस बी, ध्यान ये रखना ए जीरो नहीं होना चाहिए, कल को अगर यहां ए जीरो हो गया जीरो इंटू एक्स जीरो बन गया, अकेला बी कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट बच जाएगा, ठीक है जी। यहां पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए जीरो नहीं होना चाहिए, कल को ए जीरो हुआ तो ये खत्म हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है जी। और ये होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए जीरो नहीं होना चाहिए, मैंने बोला ना जो जो मैक्सिम जो मतलब डिग्री वाली टर्म होती है ना, जो डिग्री देती है टर्म, उस टर्म का जो कोफिशियंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, अगर डिग्री देने वाली टर्म का कोफिशियंट जीरो हो गया तो वो रिस्पेक्टिव पॉलिनोमियल नहीं बनाएगा, ठीक है जी। तो अब मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स भी दिए, ठीक है, और मैंने सब बता दिया। अभी मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। अभी आप पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, अगर मैं सब कुछ बता रहा हूं पॉलिनोमियल के बारे में, लेकिन इक्वेशन जब आएगी तब तो मैं बताऊंगा भी पॉलिनोमियल क्या था और इक्वेशन क्या होती है, ठीक है जी। अभी बस पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ो, उसके बाद आता है जीरो का पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल द दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो, विच मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो, ठीक है। That value of variable which makes the polynomial zero, यानी वो variable की value जो polynomial को क्या बना देती है zero बना देती है, उसको zero of the polynomial कहते हैं। For example कोई भी polynomial दे रखा है जैसे x plus 5 है, अपने suppose करो इस polynomial को p of x मान लिया, let कर दिया अपने, ऐसे ही let करेंगे polynomial को p of x, q of x, z of x, sorry g of x, इसको अब हम लोगों ने इसका zero of the polynomial निकालना है, क्या निकालना है लोगों ने zero of the polynomial, वो एक्स की वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को क्या बना दे जीरो, यानी हम लोग क्या करेंगे इस पॉलिनोमियल को किसके बराबर रख देंगे जीरो के, यहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे प्लस का फाइव उधर जाके माइनस का फाइव, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस फाइव, अब एक्स को यहां माइनस फाइव रखेंगे माइनस फाइव प्लस फाइव क्या हो जाएगा जीरो, तो ये क्या होगा जीरो का पॉलिनोमियल होगा, ठीक है जी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा पॉलिनोमियल डिग्री के हिसाब से कितने टाइप के होते हैं, टर्म के हिसाब से कितने टाइप के होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो का पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी, ठीक है जी। सो हमारे सामने पहला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल तो होना ही होना चाहिए साथ में वेरिएबल भी एक होना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको अच्छे से बताया पॉलिनोमियल कौन से होते हैं कौन से नहीं होते, ठीक है जी। अब इसने पूछा एक वेरिएबल में होना चाहिए, तो शुरुआत करते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्या पॉलिनोमियल बिल्कुल है, यहां पे होल नंबर पावर है, होल नंबर पावर है, कॉन्स्टेंट तो पॉलिनोमियल में आते हैं, वैसे कॉन्स्टेंट वेरिएबल की पावर जीरो मानी जाती है, तो पावर होल नंबर है, इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इन वन वेरिएबल,
यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या ये है? बिल्कुल है, ये भी है, क्योंकि देखो कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो सकती है, कांस्टेंट के ऊपर रूट आए, पावर फ्रैक्शन हो, जो अपना वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। यस इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। ओके ठीक है। अभी देखो यहां पे वेरिएबल टी है, मैंने आप लोगों को बोला था कि वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं आना चाहिए, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है पावर वन बाय टू। अभी यहां पे कांस्टेंट के ऊपर रूट है, यहां तो चलेगा, लेकिन यहां पे टी के ऊपर रूट आ गया तो पावर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं रही, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, नॉट अ पॉलिनोमियल। अब इसकी बात कर लें, वाई प्लस टू वाई टू बाय वाई, ये भी नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्यों? रीजन देखो, यहां पे y की पावर वन बिल्कुल सही है, टू बाय वाई y नीचे है, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। मैंने आपको बताया भी होगा वीडियो के स्टार्ट में, y जब बाय में आ जाए तो पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है, और नेगेटिव होल नंबर में नहीं आता, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि पावर वेरिएबल नीचे आ गया, वेरिएबल ऊपर जाके पावर नेगेटिव कर देगा। अब बात इसकी आती है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, लेकिन यहां पे पॉलिनोमियल कौन से पूछे हैं? वन वेरिएबल वाले पूछे हैं, लेकिन ये कितने वेरिएबल में है? तीन वेरिएबल में है, समझ लो बात को। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर यस इट इज अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल, सो दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इज अ पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, इट इज अ पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, नॉट इन वन वेरिएबल। ओके, अब यहां पे ना सेकंड क्वेश्चन आता है, राइट द कोफिशिएंट टू एक्स के नीचे होगा क्लोरीन, इन सभी में एक्स के को कोफिशिएंट बताएं। जनरली जो कोफिशिएंट होगा ना वो टर्म के आगे वाला होता है, ये देखो ये कॉन्स्टेंट टर्म है, समझ गए? ये तीन अलग अलग टर्म है, जो अलग अलग टर्म होते हैं वो प्लस माइनस के साथ अटैच होती हैं, ये तीन अलग अलग टर्म है, बीच में पॉजिटिव का सिंबल है। यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं पड़ा, तो बन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? वन होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के इंटू में कुछ नहीं पड़ा, यहां पे एक्स स्क्वायर के इंटू में यहां पे भी कुछ नहीं पड़ा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? माइनस वन होगा। यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं पड़ा तो नेगेटिव तो लेंगे ना, अभी यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या पड़ा है? पाई बाय टू, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? पाई बाय टू होगा। ठीक है जी, अभी यहां पे देखो, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है, अब एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है तो क्या होगा? जीरो होगा, बिल्कुल जीरो होगा, समझो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, टू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, यहां पे टू कॉन्स्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट थ्री है, एक्स का कोफिशिएंट फाइव, जो आगे वाला होता है वो कोफिशिएंट। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, डिग्री 35 का बाइनोमियल आना चाहिए। डिग्री 35 बनाने के लिए हमने क्या लिखा? एक्स रेस टू पावर 35, अब बाइनोमियल है, क्या है? बाइनोमियल, बाइनोमियल होता है जिसमें दो टर्म होती है, तो प्लस कुछ भी लिख दो, कॉन्स्टेंट लिख दो, चाहे वेरिएबल हो, कोई दिक्कत नहीं है, एनीथिंग, 100 लिखो, 50 लिखो, 60 लिखो, जो दिल करे वो लिखो। डिग्री 35 है और इसके आगे कोई कॉन्स्टेंट और भी हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री 35 होनी चाहिए और बाइनोमियल होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे इनफाइनाइट आंसर्स होंगे, कोई भी आप आंसर लिख दो। अब इसने बोला मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल होना चाहिए, 100 पावर होगी, साथ में कॉन्स्टेंट कुछ भी ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है जी, मोनोमियल होना चाहिए और डिग्री 100 होनी चाहिए, मोनोमियल मतलब वन टर्म, बाइनोमियल मतलब टू टर्म, इसमें टू टर्म है और इसमें वन टर्म है। ठीक है जी, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। कहता राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ डिग्री, लिखनी है डिग्री, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर, यहां पे मैक्सिमम पावर कितनी है? थ्री है, यहां पे मैक्सिमम पावर कितनी है? टू है, यहां पे मैक्सिमम पावर कितनी है? वन है, क्योंकि जब पावर ना रिप्रेजेंट कर रखे हो तो पावर क्या लेते हैं? वन लेते हैं, डिग्री वन हो गया। यहां पे कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म है तो डिग्री क्या आएगी? जीरो, कॉन्स्टेंट टर्म है तो डिग्री क्या आएगी? जीरो। आई थिंक आप लोगों को सब समझ आ रहा है। कहते हैं क्लासिफाई द पॉलीनोमियल लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल, लीनियर जिसकी डिग्री वन हो, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री टू हो। अभी सर हम बताइए डिग्री टू है, मैंने डिग्री थोड़ी देर पहले बताया था, क्या होता है? डिग्री होती है मैक्सिमम पावर,
ठीक है। अगर मैं ऐसा लग रहा हूं कि तेज बोल रहा हूं तो आप रिवाइंड करके बार बार देखें, ठीक है। तो यहां डिग्री कितनी होगी, दो डिग्री दो है, तो कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आंसर आएगा, ठीक है। यहां पे डिग्री तीन है तो क्या आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां पे डिग्री मैक्सिमम पावर होती है, डिग्री टू है तो क्या आएगा, क्वाड्रेटिक। यहां पे डिग्री वन है तो क्या आएगा, लीनियर। थोड़ी देर पहले बताया था लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है जी। यहां डिग्री फिर वन है तो क्या आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। यहां पे डिग्री टू, यहां पे वेरिएबल आर है, वेरिएबल आर है तो डिग्री टू है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। यहां पे डिग्री तीन है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो डिग्री क्या है, डिग्री तीन है, डिग्री तीन है तो क्या आंसर आएगा बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है जी। तो ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर बोल दो एंड फर्स्ट एक्सरसाइज। आई थिंक आपको सभी को समझ आ गया होगा, जिस जिसको समझ आया वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।